नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ लता। भारत के सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान के पीएम को चेतावनी दी है। बिपिन रावत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर निशाना साधते हुए भारत सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि पहले वो अपने पाकिस्तान स्टेट को इस्लामिक स्टेट से दूर करें, उसके बाद ही जाके भारत पाकिस्तान से दोस्ती करने के बाद सोचेगा। वहीं आपको बता दें कि बिपिन रावत ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो उससे पहले पाकिस्तान को सेक्युलर होना पड़ेगा। भारत जिस तरह से भारत सेक्युलर है उसी तरह से पाकिस्तान को सेक्युलर होना पड़ेगा। आतंकवादी सोच से बाहर आकर उसको ये दिखाना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों को करना छोड़ दिया है, उसके बाद ही भारत पाकिस्तान से हाथ मिलाने की सोच सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान से इमरान खान ने भारत से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था, जिसके बाद बिपिन रावत ने साफ तौर पर यह कहा था कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को नहीं छोड़ता है तब तक भारत पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारत में आतंकी भेजे जाते हैं और जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजने का काम बंद नहीं करेगा तब तक भारत पाकिस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता। वहीं आपको बता दें कि बिपिन रावत ने साफ तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को नहीं छोड़ेगा, जब तक पाकिस्तान भारत की तरह सेक्युलर सोच नहीं रखेगा तब तक भारत पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाने वाला है। आपको बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भारत के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से दो टूक करते हुए पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश बना लिया है। उन्होंने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए पहले पाकिस्तान खुद को धर्मनिरपेक्ष बनाए और उसके बाद दोस्ती का हाथ बढ़ाए। आपको बता दें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि आतंकवाद के साथ भारत कभी भी बातचीत नहीं कर सकता है। दरअसल सेना प्रमुख का यह बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तान में हो रहे सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत ने इनकार कर दिया और करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास के मौके पर भारत के साथ दोस्ती पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जोर दिया था। वही थल सेना रावत ने कहा कि पड़ोसी मुल्क कह रहा है कि आप एक कदम बढ़ाइए तो हम दो कदम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि उसकी नीयत में खोट दिखाई देती है, वो जो भी कह रहे हैं उसमें विरोधाभास है, साथ ही उनकी तरफ से एक कदम भी सकारात्मक रूप से उठाया जाना चाहिए। जमीनी स्तर पर देखेंगे कि उसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ रहा है, उसके बाद ही दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाएगा। और इसी तरह की अपडेट खबरों के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।